खुले तो लिखते हैं महाराज
Thank you.
था, कितनी बड़ी मित्रता थी आज तक, उससे दूरी दुश्मनी होगी। मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, तुम अपना चेहरा मुझे दिखाने की कोशिश मत करना। जितनी बड़ी मित्रता थी उतना ही बैर बन गया। एक तो ये बात थी कि न्योता नहीं गया अयोध्या में, दूसरी बात एक गलत के अनुसार गाय मारने से बैर पड़ा, और दूसरे गलत के अनुसार एक बार जनक महाराज के शरीर में कोढ़ हो गया था, तो किसी विद्वान ने बताया जो स्त्री 100 जन्म तक पतिव्रता रही हो, अगर वो तुम्हारे शरीर पर लोटा चढ़ा दे तो कोढ़ सही हो जाएगा। तो अयोध्या में सूचना भेजी जनक ने, अगर कोई रानी ऐसी हो जो 100 जन्म तक पतिव्रता रही हो तो मेरे शरीर पर लोटा चढ़ा जाए। कई ने कई महाराज वो 99 जन्म तो याद है, पर एक जन्म बेटा में पड़ रहा हूं, बाकी शुद्ध ना है। दशरथ महाराज बोले तो बात ना बन जाएगी, अगर कोड सुना सही बहुत तो ताते बढ़िया तो जाइए, अगर ना ही करते हमारे यहां कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री नहीं है। महाराज दशरथ सोच विचार में चौखट पे बैठे थे, दासी जो मेहतर थी वो झाड़ू देने के लिए आई है सवेरे सवेरे द्वार पर। महाराज के चेहरा को दास निहार करके हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैंने तुम्हारा चेहरा कभी उतरा हुआ नहीं देखा, आज बात क्या है? दशरथ ने कहा मेरे महल में कोई ऐसी रानी नहीं है जो 100 जन्म तक पतिव्रता रही हो। बेहतर बोली के 100 जन्म तक पतिव्रता मैं रही हूं, बताओ काम का है मोए सोती है 100 जन्म की, बताओ जवाब दो तो का बात बन जाएगी। जनक महाराज के शरीर में कोढ़ हो गया है, अगर हमने तुम्हें भेजा तो भेजे कंगे कोई रानी नहीं थी जो मेहतर भेज दी। मेहतर ने कही महाराज तुमको भेज के तो देखो, मैं कहूंगी का सो बात में ऊपर छोड़ दो। तो पैर आए उड़ाए गए मेहतर को डोली में बिठा करके भेजा, उसी दिन से मेहतर मेहतरानी हो गई। डोली में बैठ करके गई मेहतरानी बन करके, और डोला से निकल के और जो लोटा चढ़ाया जनक महाराज के शरीर पर कोड़ सही हो गया। तब पूछी कोई रानी ना ही सो दासी भेजी है मेहतर भेजी है। तब कई मेहतरानी ने सुनो महाराज हमारे नगर अयोध्या से ऐसे छोटे कामन के ने रानी नहीं मेहतर आती है, समझे? तो बा बात है याद करें बैठे जनक महाराज, इतने बड़े काम में मेहतर कर गई हो, जब धनुष कोई मेहतर तोड़ गो तो मेरी लड़की का जन्म भी बन जाएगा। लेकिन देखिए बिली